हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन पंत की रसोई। आज आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इडली बनी हुई है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि लेफ्ट ओवर इडली से हम मसाला इडली कैसे बनाएंगे। कई बार होता है, हम घर में इडली बनाते हैं, इडली बच जाती है और वो सादी खाने का मन नहीं करता है, तो हम उसे मसाला इडली बना के उसमें नया फ्लेवर ऐड करके टेस्ट कर सकते हैं। और कई लोग होते हैं जिनको प्लेन इडली पसंद नहीं होती है, तो वो भी मसाला इडली ट्राई कर सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो मसाला इडली बनाने के लिए हमें चाहिए, यहाँ पे मैं ये वेजिटेबल मैं ले रही हूँ, कैप्सिकम मैंने इस तरीके से कट करके रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप छोटे छोटे पीसेस में। टमाटो मैंने इस तरीके से कट करके रखे हुए हैं, ये अनियन को भी स्लाइसेस में कट करा है। और मैंने लिए यहाँ पे थोड़े से कड़ी पत्ता और 3 हरी मिर्च जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। मसाले में मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, मस्टर्ड सीड यानी कि राई के दाने, और यहाँ पे मैंने कच्ची मूंगफली ली है, नमक लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं गैस में ऑयल जो है उसे गर्म कर लेती हूँ, और यहाँ सबसे पहले मैं इसमें जो मूंगफली के दाने हैं वो फ्राई कर लूंगी, हल्का सा उनको भून लूंगी। और देखिए जब तक तेल गर्म होगा तब तक यहाँ पे हम इडली जो है, अब इतने बड़े बड़े पीसेस हम फ्राई करेंगे नहीं या मसाला इसमें होगा नहीं जिससे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इडली को इस तरीके से कट करना है। और ये बहुत सॉफ्ट इडली बनी हुई है, तो ये 2 पीसेस में चाहे तो आप ऐसे रख सकते हैं, चाहे तो इसका एक और पीस इस तरीके से, ये देखिएगा ये 2 पीसेस भी रख सकते हैं। तो मैं इस तरीके से 2 पीसेस इन सबके इडली के कर लूंगी और एक इडली के 4 पीस बना के इनको फ्राई करूंगी। देखिएगा तेल गर्म हो गया है और ये मूंगफली मैं अच्छे से भून लेती हूँ। उसके बाद मूंगफली निकाल के फिर इसमें सबसे और चीजें डालेंगे, तब तक मैं मूंगफली भून लेती हूँ अच्छे से। मूंगफली अच्छे से भून चुकी है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। देखिएगा, और अब सबसे पहले तो देखिएगा मैंने ये मूंगफली निकाल ली है और इडली सारी कट करके रख दी है, आप देख सकते हैं प्लेट में इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में। अब यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे मस्टर्ड सीड और वो चटक गए देखिएगा, और इसके बाद हम डालेंगे कड़ी पत्ता। अब मैं डालूंगी यहाँ पे प्याज, और देखिए ये जो मसाला इडली है, हमारे स्कूल में एक मैम है ऋतु मैम, बहुत ही टेस्टी बनाती है, तो उनसे ही मैंने ये मसाला इडली खाई थी और उन्हीं से उनकी रेसिपी भी ली थी। तो ऋतु मैम आपकी रेसिपी मैं डाल दी हूँ अपने उसमें, और आप बहुत अच्छी इडली बनाते हैं, आपसे ही मैंने ये इडली बनाना सीखा है मसाला इडली। अभी देखिएगा प्याज अच्छे से गोल्डन कलर के हो जाए, मीन्स पूरे स्कूल में मोस्टली उन्होंने जिसको भी खिलाई है सभी उनकी इडली की बहुत तारीफ करते, तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो प्याज अच्छे से भुनने लेंगे, यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी नमक, मैंने क्योंकि इडलियों में भी नमक डाला था तो मैं यहाँ पे नमक थोड़ा सा कम डालूंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब देखिए प्याज हल्का भुन गया हमारा, तो मैं इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्चा, जो हरी मिर्च मैंने कट करी थी। ये मसाला इडली खाने बहुत टेस्टी लगती है क्योंकि इडली में पूरे टमाटर पे अच्छा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। भुनूंगी, अब इसमें मैं डालूंगी ये टमाटर कच्चे हुए, टमाटर डाल के सब कुछ मिक्स करना है पूरा। अब यहाँ पे ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, अपने तेज खाते तेज लीजिएगा, कम लेते कम लीजिएगा। और ऐड करूंगी हल्दी पाउडर और इसको अच्छे से हम थोड़ा ये गल जाए टमाटर तब तक भुनेंगे अच्छे से मसाला। और यहाँ पे मैं डालूंगी टेस्ट एनहांस करने के लिए थोड़ा सा सांभर मसाला, मेरे पास था तो मैं थोड़ा सा सांभर मसाला डालूंगी, उससे टेस्ट और अच्छा आ जाएगा, और वो अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ये देखिएगा पूरा। और फ्लेम यहाँ पे कर दूंगी मीडियम, आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से टमाटर जो है वो गलना शुरू हो गए हैं। तो अब यहाँ पे ऐड करूंगी कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को पकाएंगे नहीं क्योंकि शिमला मिर्च अगर पूरी अच्छे से पक जाए तो वो स्वाद अच्छा नहीं आता उसका, हल्की कच्ची कच्ची सी लगे तो टेस्टी लगती है। और ये पूरा मिक्स करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे डालूंगी मूंगफली, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी लगती है ये, इसको जरूर ट्राई करिएगा आप लोग घर पर, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने इसको ट्राई करा, आपको ये इडली कैसी लगी। तो ये देखिएगा कितना टेस्टी मसाला लग रहा है ये। और अब हम यहाँ पे डाल देंगे ये फ्राई करी हुई इडली, सॉरी स्टीम्ड इडली,
ये पहले मैं थोड़ा डालूंगी इसमें, और हल्के हल्के हाथों से चलाना क्योंकि इडली सॉफ्ट होती है तो वो टूटने का डर रहता है। इसको पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इसमें सारी इडली जितनी थी वो देखिएगा प्लेट की, सारी इडली इसमें डाल ली है, और इसको मैं सिर्फ आधे मिनट के लिए, आधे से एक मिनट के लिए ढक के रखूंगी ताकि मसाला सारा उसमें अच्छे से चले जाए, स्टीम से वो हल्का सा और मसाला उसमें पूरा चले जाएगा। तो सिर्फ एक मिनट के लिए या आधा मिनट के लिए इसको ढक के रख देती हूँ। ये देखिएगा एक मिनट से थोड़े से कम में मैंने इसको बंद कर दिया है गैस, और मैं इसको एक प्लेट में निकाली। तो देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, और मूंगफली प्याज टमाटर उससे और भी ज्यादा कलरफुल से बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको प्लेट में निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने एक प्लेट में निकाल दिया, आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग सी लग रही है, इसको देख के खाने का मन कर रहा है, और इसको जरूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी ये फ्राइड इडली की रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।